अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सिटी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हमारे एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाले सेंसर को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल टेम्परेचर सेंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में कॉइल टेम्परेचर सेंसर है जो कि इनडोर यूनिट में वेपोरेटर के साथ कॉइल में ही लगा हुआ होता है। अब हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया इसको लाइक कर लें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। आप अपने मीटर की मदद से इसको आसानी के साथ टेस्ट कर सकते हैं और इसका आसान तरीका ये भी है कि आपके पास ठंडा या गर्म पानी हो जिसकी मदद से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मीटर की मदद से आपको इसको अच्छे से टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अब हम अपने मीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओहम पर, किलो ओहम पर हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर हमारा मीटर ऑटो पर है और जो भी इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके दो पॉइंट हैं, प्लस माइनस का इसका कोई नहीं है। आप जहां पर भी मर्जी दोनों वायर्स लगा सकते हैं, दोनों वायर्स कहीं भी आप लगा सकते हैं क्योंकि इसका प्लस माइनस नहीं है। तो मैं यहां पर अब वायर्स लगाऊंगा और आपने ये ख्याल करना है कि दोनों वायर्स आपस में ना टकरा जाएं। अब देखें, मैंने वायर्स लगा लिए हैं और याद रहे वायर्स आपकी लूज़ ना रहे। ये देखें, यहाँ पर हमारी रीडिंग आ चुकी है 7.3938 हमारी रीडिंग आ रही है। अब यहाँ पर सेंसर हमारा क्या काम करता है, जब ये ठंडा होगा तो इसकी रीडिंग जो है वो ज़्यादा होगी और जब ये गर्म होगा तो इसकी रीडिंग कम होगी। अगर आप इसको हीट में डालें तो इसकी रीडिंग कम हो और अगर आप इसको ठंडे पानी में डालें तो इसकी रीडिंग ज़्यादा हो, तो मतलब ये आपका सेंसर ठीक है। अगर आपको ये शो ना करे रीडिंग, मतलब कि इसकी जो रीडिंग है ये शो ना करे, ओम शो ना करे, तो ये ख़राब है। अगर आप इसको ठंडे गर्म पानी में डालें तब भी ये रीडिंग इसकी शो नहीं कर रहा तो मतलब आपका ये सेंसर ख़राब है। अब मैं इसको हाथ से मस लूँगा जिससे हीट पैदा होगी। हीट पैदा होने से ये अगर इसकी रीडिंग कम होगी तो इसका मतलब है ये ठीक है। अब मैं इसको मसल रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मल्टीमीटर पर रीडिंग कम हो रही है, 7 से 6 पर आ गया, 6.9868857 9, जैसे जैसे हीट ज़्यादा हो रही है हमारी रीडिंग कम होती जा रही है। पहले इसकी रीडिंग थी 7 पॉइंट से ऊपर थी, अब इसकी रीडिंग कम होती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी रीडिंग कम होती जा रही है, ये मेरी वायर्स जो हैं ये हिल रही हैं जिसकी वजह से रीडिंग जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो रही है। इसको एक दफ़ा मैं फिर करता हूँ, आप देख रहे हैं मैं इसको मसल रहा हूँ और इसकी जो रीडिंग है वो नीचे आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये मेरी वायर्स जो हैं ये बार बार हिल रही हैं, अब ठीक से पकड़ लिया। तो अब देख रहे हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो अब मैं इसको नीचे रखता हूँ और देखता हूँ कि रीडिंग जो है वो हमारी ऊपर भी आती है कि नहीं। अब हमारे सेंसर को एड लगेगी जिस वजह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेंसर है ये कुछ ठंडा हो रहा है क्योंकि इसको एड लग रही है और ये रीडिंग हमारी वापस ही ऊपर जा रही है क्योंकि मसलने से हमें हमारे सेंसर पर हीट पैदा हो गई थी जिस वजह से ये हमें रीडिंग कम शो कर रहा था। अब हमने इसको छोड़ा है तो ये अपनी नॉर्मल हालत में आ रहा है, इसको एड लग रही है और ये ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्लो स्लो जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है इसकी रीडिंग ऊपर आ रही है। अगर अभी मैं इसको ठंडे पानी में डाल दूं तो ये बहुत ही जल्दी से इसकी रीडिंग ऊपर आ जाएगी क्योंकि ठंडा पानी मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए ये स्लो स्लो ऊपर आ रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये फार्मूला बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।